अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू गाइस, आज का ब्लॉग करते हैं शुरुआत कर रहे हैं जी वीडियो के साथ। अच्छा, अभी जो है ना सुबह के 7:30 का टाइम हो रहा है। अरम भी उठ गया, हिबा भी उठ गई, वो भी स्कूल जा रहे हैं और मैं गोदाम जा रहा हूँ, क्योंकि वो यूँ क्योंकि मुझे देना है ऑर्डर सुबह ही सुबह जल्दी, भैंस को नहीं निकलूँगा। आमिर भाई को लेते हुए मैं जा रहा हूँ गोदाम, तो आपसे मिलते हैं जी गोदाम पर। तो भाई अभी जो है ना सीन कुछ ऐसा है कि मैं घर से आ गया था गोदाम, गोदाम पर जो है ना ऑर्डर अभी लोड होगा, अभी ऑर्डर बन रहा है, कुछ रेडी पड़ा हुआ है सामने, कुछ अभी बन रहा है, फिर ये लोड होगा। तो अभी जो है ना बाइक वो खड़ी भी, अभी हम चलते हैं नमाज़ पढ़ने, वही कोने वाली मस्जिद में जो उधर है, तो अभी चलते हैं फटाफट से नमाज़ पढ़ने। तो भाई अभी जो है ना हमने जोहर की नमाज़ पढ़ ली है, ठीक है, और अभी बस एंड चल रहा है ऑर्डर का भी, ठीक है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर ऑर्डर ऑर्डर लोड होगा, फिर मैं निकलूँगा भैंस पकड़ने के लिए आमिर भाई के साथ, तो आपसे मिलता हूँ ऑर्डर लोड होने के बाद थोड़ी सी देर में। तो भाई अभी जो है ना ऑर्डर हो चुका है लोड, और हमने अपनी गाड़ी जो है ना यहाँ खड़ी कर दी है, अपनी बाइक, तो ये खड़ी हुई मेरी बाइक, और अभी जो है ना हम निकल रहे हैं भैंस कॉलोनी के लिए। मैं हूँ, आमिर भाई हैं और दो मजदूर हैं, तो हम जा रहे हैं भैंस कॉलोनी के लिए। आज माशाल्लाह से ऑर्डर है बहुत ज़्यादा, और ऑर्डर जिसका है उसको दो दो जनों का ऑर्डर, उन दोनों को ऑर्डर देंगे, फिर उसके बाद वापस में ना मुझे आमिर भाई छोड़ देंगे घर पर, क्योंकि आते आते ना तकरीबन कोई 4-4:30 हो जाएंगे, इसलिए आमिर भाई मुझे छोड़ देंगे घर पर, फिर रात में मैं आऊँगा यूनुस भाई के साथ यहाँ पर अपनी बाइक लेने। तो अभी चलते हैं जो है ना डीजल डलवा रहे हैं, फटाफट से डीजल डलवा के निकलते हैं भैंस कॉलोनी के लिए। भाई अभी जो है ना ऑर्डर दे दिया है हमने, हम निकल गए भैंस कॉलोनी से, अभी जो है ना हम डायरेक्ट जाएंगे, आमिर भाई मुझे छोड़ेंगे घर, जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले बताया था, तो आमिर भाई मुझे छोड़ेंगे घर और फिर निकल जाएंगे अपना काम करते हैं। तो हमने घर पे जाना है, पहले असर की नमाज़ पढ़नी है, फिर जाना है ऊपर मुर्गा मुर्गी के पास, तो अभी चलते हैं फटाफट से घर पर। अभी जो है ना हम लोग आ गए हैं घर पर, आमिर भाई ने मुझे घर छोड़ दिया, आमिर भाई हो जा रहे हैं, तो अभी चलते हैं फटाफट से घर पर, चेंज वेंज करते हैं, फिर जाएँगे छत पर मुर्गा मुर्गी के पास, क्योंकि नहीं गया अभी, फटाफट से घर में चलते हैं, ये बात बाहर खड़ी हुई हमारी। तो भाई असल में मसला ये हुआ कि मैं आ गया हूँ ऊपर। अच्छा, सीन कुछ ऐसा हुआ कि ना आमिर भाई ने मुझे छोड़ा घर पर, तो असर की नमाज़ मेरी निकल चुकी थी, मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, इतना टाइम हो गया कि मगरिब की अजान भी होने वाली थी, मगरिब की अजान भी होने वाली थी। तो जब मैं घर में घुसा हूँ और मैंने कपड़े वपड़े चेंज करने नहाने घुसा था मैं, तो मगरिब की अजान भी हो गई, ठीक है, मगरिब में फिर नहाया, खाना वाना खाया, मगरिब की नमाज़ घर में पढ़ी है, और अब मैं आया हूँ ऊपर। तो अभी जो है ना मुर्गा मुर्गी के पास आया हूँ, दाना पानी सब कुछ होया हुआ है, मम्मा ने आकर कर दिया है, बाकी ये जो है ना इसके अंदर अभी भी अंडा पड़ा हुआ है, शायद आप लोगों को नज़र आ रहा हो, मैंने जो इसके अंदर जो मुर्गी थी ना उसको खोल दिया, वो वहाँ चले गई, वो अब साथ रहेंगे, उनको इनको जो है ना थोड़ी देर बाहर खोलते हैं, लाइट वाइट खोलता हूँ ताकि ये बाहर आए। अभी जो है ना बाहर आ जाएंगे थोड़ी देर में, बाकी अंडे वाली घास भी रखनी पड़ेगी हमें अंदर, अब अंडे इंशाल्लाह दे देंगी मुर्गियाँ, बाकी पानी वानी है इनके पास, दाना नहीं है, दाना डालना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो है ना मैं ऊपर नहीं आया आप लोगों के सामने, और सफाई मैंने आज नहीं की, सफाई इंशाल्लाह हम कल करेंगे, क्योंकि कल फ्राइडे, और फ्राइडे वाले दिन आपको पता है हमारी छुट्टी होती है, तो फ्राइडे वाले दिन यहाँ ज़्यादा टाइम देंगे हम इंशाल्लाह। बाकी अभी आएँ तो दाना पानी भी करके ही जाएंगे, और अभी इनको भी दाना डालूंगा, लाइट खोल के जाऊंगा, ये वाली जो लाइट है ना खोल के जाऊंगा, तो अभी फटाफट से ना इनका दाना करते हैं, दाना वाना करते हैं ना इनका। तो अभी जो है ना इसके अंदर जो ये अंडा पड़ा हुआ है ना इसका क्या करें यार, मैं आपको दिखाता हूँ इसे निकाल के क्या है क्या नहीं, ये क्या, ये भी मेरे ख्याल में ख़राब है, ये वाला अंडा भी ख़राब हो चुका है, लेकिन इसमें नसें बनी हुई हैं अगर आप लोगों को नज़र आ रही है तो। खैर चलो, ये अंडा ख़राब हो चुका है मुकम्मल तौर पर, ठंडा यह हो रहा है, और मैंने इसके अंदर ना इस मुर्गी को दाना दिया था और इसके अंदर पानी। खैर अभी जो है ना हम इसके अंदर इन दोनों के अंदर ना हम लाएंगे वो कबूतर, एक में कबूतर दो, एक पेयर इसमें कबूतर रखेंगे और इसमें बत्तख। अभी मैं जा रहा हूँ, दो तीन दफ़ा गया हूँ मैं मंडी, लेकिन मुझे जो मुझे चाहिए वो मुझे नहीं मिला,
जैसे कि बत्तख, बत्तख का भी सीज़न है नहीं तो वो आ नहीं रही। और कबूतर जो मुझे चाहिए ना, काला शहराजी, तो वो भी नहीं मिल रहा मुझे। मैंने एक बंदे से मंगवाया है तो वो मुझे कुछ टाइम में ला देगा इंशाल्लाह, पीर का बोला है उसने मुझे। तो अब देखेंगे, पीर को अगर ला दिया तो ठीक है, वरना फिर हम इतवार को चल के देख लेंगे मंडी में। अगर मिला ठीक है, वरना पीर को हम उससे ले लेंगे, या इतवार को मिल गया तो हम पीर को उसको मना कर देंगे। अल्लाह मालिक है जैसा भी है। तो अभी फटाफट से ना हम इनका दाना वाना करते हैं, क्योंकि ना मैं तो आया नहीं था, मम्मा आई थी ऊपर। तो भाई अभी जो है ना, हमने मुर्गा मुर्गी को दाना पानी कर दिया है, ठीक है। ये मुर्गा मुर्गी को भी दाना पानी हो गया है, दाना डाला है बस। पानी तो मम्मा ने, मतलब पानी तो हमने ऐसा करा हुआ है कि वो नलका जो है ना, उसमें से टपकता रहता है हल्का हल्का, तो वो दाना जो है ना वही होता रहता है। जो अंडा जो मुर्गी का ख़राब हुआ था ना, वो हमने इधर रख दिया। देखो तीनों भी आपको दिखाता हूँ, देखिए ये जो अंडा था ना, ये हमने तोड़ के इधर रख दिया था। अब ये तीनों ने पी लिया है आपस में मिल के, और ये बिल्कुल ही ख़राब निकला है। खैर बदबू तो नहीं आ रही, लेकिन ख़राब तो ख़राब निकला है। अभी ये लोग खुद ही खा रहे हैं अंडा, और इनको भी मैंने दाना पानी दे दिया, पानी भी चेंज कर दिया और दाना भी। और अभी जो है ना, यूनुस भैया मेरे पास फ़ोन आ गया है, कह रहे मैं 10 मिनट में आपको लेने आ रहा हूँ, तो वो भी मुझे लेने आ रहे हैं। फिर हम चलते हैं जी गोदाम पर, ईशा की नमाज़ हम पढ़ेंगे वहीं पर ही। और आज जैसे कि जुमेरात है, हो सकता है मैं कहीं सरोज भाई के साथ जाऊँ, हो सकता है, कुछ पता नहीं है। सरोज भाई अभी तक फ़ोन तो नहीं आया, लेकिन आएगा लाजमी, क्योंकि वो हर जुमेरात को पूछते हैं यार कहीं जाना है, तुम्हारी छुट्टी है कहीं जाना है, रात में कहीं जाना है। तो अब देखते हैं, अगर फ़ोन आएगा रात में या गोदाम पे, तो देखेंगे, सरोज भाई के साथ डिसाइड करेंगे। और आज जो है ना, अभी यूनुस भाई आ रहे हैं ना मेरे पास, तो फिर यूनुस भाई के साथ जा कर ना हमने अपना जो चश्मा जो एक साइड से उसका नट निकल गया ना, तो वो नट भी लगवाना है। तो अभी चलते हैं नीचे, फिर यूनुस भाई का वेट करते हैं, फिर जाएंगे गोदाम पर। बाकी ये लोग अंडा खा रहे हैं मज़े से, ये देखें। बाकी ये इनकी जर्दी ये पड़ी हुई, खैर ये खुद ही भी, अभी ये खुद ही पी जाएंगे। और वो अंडा ख़राब निकल रहा है, ख़राब निकला है, लेकिन बदबू नहीं आ रही, लेकिन वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे ख़राब हो गया। जैसे आप अंडा मैश नहीं कर देते, वो बिल्कुल जर्दी और सफ़ेदी जैसी हो जाती है, वो वाला सीन हो गया। लेकिन अब ये पी लेंगे खुद ही। तो अभी हम चलते हैं नीचे, आपसे मिलता हूँ नीचे। और अभी एक और बात, जो मैंने आपको क्लिप दिखाई है ना कि केसी वाले लाइट लगा रहे थे, तो वो भी लाइट लगा के चले गए बाड़ी। बाकी ये केस थोड़ा अच्छा सा हो गया, बराबर वालों का भी और हमारा भी। अब हम अपनी लाइट शायद नहीं जलाए, क्योंकि इसने जगमग जगमग कर दिया पूरे उसको। तो अभी चलते हैं और यूनुस भाई का वेट करते हैं। भाई अभी जो है ना, यूनुस भाई आ गए, अब हम जा रहे हैं चश्मा ठीक कराने अपना, जो मेरा जो ग्लासेस ख़राब हुआ है ना, उसको पहले उसको ठीक कराएंगे, फिर जाएंगे गोदाम। इसी के बाद लगा लो, तो अभी यहाँ से सही कराएंगे। ये बनवा लिया हमने, चलते हैं गोदाम पे। तो भाई अभी जो है ना, मैंने चश्मा ठीक करा लिया, मैं आ गया हूँ ऑफिस, अभी ऑफिस में बैठा हुआ था। अभी आमिर भाई आए नहीं, आमिर भाई अभी आने वाले हैं थोड़ी देर में, फिर ऑर्डर तैयार होगा। और अभी फिर हमने ऑर्डर तैयार होगा, फिर हमने ऑर्डर भी देने जाना है, लेकिन ऑर्डर नहीं देने जा सकते हम वो यू, क्योंकि अभी रोड ब्लॉक करे हुए इमरान खान की वजह से, वो कि लॉन्ग मार्च में फायरिंग वायरिंग हो गई, क्या हुआ, गोलियां लगी, क्या हुआ, उसकी वजह से सारे रोड ब्लॉक हुए हैं हमारे यहाँ के। इंडस्ट्रियल एरिया सिंगल सुरंगी, ब्लाल सुरंगी, ये ब्लॉक हुए हैं। और अभी ईशा की अजान भी हो चुकी है, तो अभी चलते हैं ईशा की नमाज पढ़ने। तो गाइस अभी जो है ना, मैं आ गया हूँ घर पर। सीन कुछ ऐसा हुआ कि ईशा की नमाज़ पढ़ी, ईशा की नमाज़ के बाद गए गोदाम, गोदाम पे इतना काम किया, इतना हिसाब, सब कुछ ऑर्डर देना था, रोड ब्लॉक थे वहाँ, तो 3 दफ़ा देखा रोड, मतलब के चेक करा, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह जगह मिल गई थी हमें। फिर हमने ऑर्डर पहुँचाया, अभी ऑर्डर पहुँचा के आ गए हैं घर पर। और अभी टाइम हो रहा है 11 बज रहे, तो अभी जो है ना, ये फ्रेश भी होना है, फिर ब्लॉग एडिट भी करना है, अपलोड भी करना है। तो अभी जो है ना, आप अपने भाई को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, भाई को दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।